गुड मॉर्निंग। आज ज्योग्राफी में है, लैंड एंड वाटर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लैंड के बारे में, लैंड इज अमोंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, तो जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उसमें लैंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है तो उसको आगे हम देखेंगे। और लैंड जो है पृथ्वी के सरफेस का वह भाग है जो सॉलिड है, जहां पानी नहीं है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेड। यह जो भाग है पृथ्वी का जो टोटल एरिया है उसका लगभग 30% ही है, 30% है, और उसमें भी सभी भाग जो है रहने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्या है कि हम लोग जानते हैं कि उस लैंड पे भी कहीं पे नदी है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे ग्लेशियर है, इन सब के कारण। और द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। उसमें भी जो विश्व में जनसंख्या का वितरण है, असमान रूप से जो जनसंख्या बटा हुआ है पूरे विश्व में, उसका कारण क्या है? तो जो लैंड का कैरेक्टरिस्टिक है गुण, और जो क्लाइमेट जलवायु है उसके कारण यह बटा हुआ है। क्योंकि कहीं पे सिर्फ पहाड़ ही है तो वहां पे जनसंख्या नहीं रह सकती है, कहीं पे सिर्फ बर्फ ही है, कहीं बहुत ज्यादा ठंडा है तो वहां पे आबादी नहीं है। जैसे द स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज सस्टेनेबल टू वाटर, रश टोपोग्राफी, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड। जैसे कहीं पे पहाड़ है ज्यादा, कहीं पे जमीन नीचे की तरफ है, कहीं पे ज्यादा पानी है, भौगोलिक स्थिति वहां की अच्छी नहीं है, कहीं पे मरुस्थल ही है, कहीं पे बहुत ज्यादा घना जंगल है, तो ये सब जो कारण है, इसके कारण जो है पृथ्वी पे जनसंख्या क्या है वह असमान रूप से बटा हुआ है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मैदान और नदी वाला जो भाग है वह लैंड पे सबसे ज्यादा सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए। ये दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, मैदानी भाग होना चाहिए और वहां पानी पर्याप्त रूप से होना चाहिए, और जहां पे कृषि होगी वहीं पे सबसे ज्यादा आबादी होगी विश्व में। कहीं पे भी अगर पॉपुलेटेड एरिया है तो वहां पे ये दो चीज जरूर है। फिर है लैंड यूज, लैंड का यूज क्या क्या है? तो बहुत सारे चीजों में हम लोग लैंड का यूज करते हैं। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पोजेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री। लैंड का यूज क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कृषि के लिए करते हैं, फॉरेस्ट जंगलों के लिए है, माइनिंग खादान, बिल्डिंग बनाने के लिए हाउस घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, और उद्योग को स्थापित करने के लिए। ये सारे चीज जो होते हैं लैंड पे ही होते हैं, और ह्यूमन के जीवन से ये सारा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। जहां पर भी ये सारा चीज होगा वहीं पे ह्यूमन पॉपुलेशन होगा। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर। लैंड का जो यूज होता है उसका उपयोग कुछ फिजिकल फैक्टर है उस पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे अभी मैंने पहले बताया था भौगोलिक स्थिति है, वहां की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, खनिज लवण है या नहीं, फिर अवेबिलिटी ऑफ वाटर, वहां पानी है या नहीं। तो ये सारे भौतिक चीज बहुत जरूरी है कहीं पे भी आबादी के लिए। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। ह्यूमन फैक्टर भी इस पे कुछ असर डालता है। वो ह्यूमन फैक्टर क्या है? पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब जैसे एग्जाम्पल है मुंबई का, मुंबई नदी से घिरा हुआ शहर है, मतलब समुद्र से घिरा हुआ शहर है, लेकिन मुंबई में सबसे ज्यादा घनी आबादी है। तो क्यों है? उसका कारण है कि वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है, विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी है,
इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए वहां पे आबादी क्या है सबसे ज्यादा है, तो वहां पे टेक्नोलॉजी जो क्या है इम्पोर्टेंट रोल वहां पे अदा किया मुंबई में। फिर है लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को दो भागों में बांटा गया है, एक है प्राइवेट लैंड और एक है कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड हो गया किसी एक व्यक्ति का जो जमीन है वो, और कम्युनिटी लैंड है तो कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज। जैसे गांव में होता है कम्युनिटी लैंड, कुछ लोगों का लैंड होता है जमीन जो कॉमन यूज के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फल उगाना, उसपे खेती करना, दवा मेडिकल हर्ब्स उसपे खेती करना। पीपुल एंड देयर डिमांड्स आर इवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। और आज क्या है, लोगों का डिमांड जो है वह बढ़ते जा रही है, लेकिन लैंड क्या है लिमिट है। जनसंख्या के बढ़ने के कारण इन सब चीजों का डिमांड बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो जमीन है वो तो सीमित है। जैसे आज से आने वाले साल में 50 साल के बाद भारत की आबादी जैसे हो जाएगी मान लीजिए 1.5 अरब, लेकिन जमीन हमारा क्या है, जमीन तो उतना ही है, जमीन नहीं बढ़ रही है। तो आबादी बढ़ने के कारण इन सब चीजों की मांग बहुत बढ़ गई है। फिर है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। अब लैंड रिसोर्स को हम कंजर्वेशन कैसे कहेंगे, उसका संरक्षण कैसे करेंगे। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर इवर ग्रोइंग डिमांड। अभी मैंने बताया था कि जनसंख्या का बढ़ना सबसे बड़ा कारण है, जनसंख्या बढ़ेगी तो हर चीज का डिमांड बढ़ेगा, खाने के लिए, रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी। तो और लैंड जो है वो तो सीमित है, उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए कंजर्वेशन करने के लिए हमको करना होगा एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमिनेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज ऑफ कंजर्वेशन लैंड। सबसे जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। फिर केमिकल पेस्टिसाइड का हम लोग जो यूज करते हैं खेतों में उसको रेगुलेट करना, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक जो खाद है उसका इस्तेमाल करना। फिर से ज्यादा ओवर ग्रेजिंग नहीं करना, मतलब ज्यादा कम से कम आर सम ऑफ द कॉमन मेथड, इन सब चीजों के द्वारा जो हम लैंड का कंजर्व कर सकते हैं, जो लैंड है उसी को हम फिर से उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के बाद लैंड अनुपयुक्त हो जाता है, वहां जमीन क्या हो जाएगी बंजर हो जाती है। तो ये था हमारा लैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब है वाटर। नेचुरल रिसोर्स में वाटर भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ह्यूमन लाइफ लिविंग थिंग के लिए वाटर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वाटर इज ए बीटर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये दोबारा हम यूज कर सकते हैं, एक बार यूज हो गया तो फिर इसका दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं। और पृथ्वी का जो सरफेस है सतह, उसका 3/4 भाग जो है पानी से कवर है, पानी से ढका हुआ है, इसलिए पृथ्वी को वाटर प्लैनेट भी बोला गया। इवन टूडे द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। आज जो 2/3 पानी है वह उससे ओशियन है, ओशियन में वो पानी है, सी और ओशियन भरा हुआ है 2/3 भाग में। आर सपोर्ट ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है। और ओशियन वाटर जो है सैलाइन होता है, समुद्र का पानी क्या होता है नमकीन होता है, और फ्रेश वाटर जो है ताजा पानी सिर्फ 2.7% है। नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर्स एज आइस शीट एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। और उसमें से भी जो 70% है, 70% पानी कहाँ पे है, आइस शीट है, जो अंटार्कटिका आर्कटिक का जो रीजन है बर्फीला भाग, ग्रीनलैंड है और माउंटेन रीजन है जो पहाड़ी स्थान है, उसमें है ये 70% पानी। और फ्रेश वाटर जो है वह सिर्फ ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फिट फॉर ह्यूमन लाइफ, और मानव जीवन के लिए सिर्फ 1% पानी ही बच गया जो उसके पीने के लिए उपयुक्त है,
वो भी 1% वाटर है कहाँ, तो ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे नदी तालाब कुआं इन सब चीजों में है सिर्फ 1% वाटर। ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रो रिजर्वायर्स ऑफ डैम। मानव जो है पानी का इस्तेमाल हम लोग पीने और वॉशिंग कपड़ा धोने के लिए इन सब चीजों के अलावा भी मानव आजकल बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे हो गया कृषि के क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग है वहां भी पानी की जरूरत है, बिजली बनाने में बड़ा बड़ा डैम बनाकर उसपे बिजली बनाया जा रहा है तो उसमें बहुत सारा पानी लग रहा है। फिर अर्बेनाइजेशन जो हो रहा है शहरीकरण तो इसमें भी पानी का बहुत ज्यादा आज खर्च हो रहा है, तो पीने के अलावे इन सब चीजों का हम लोग खर्च कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की जो उपयुक्तता है उसके बारे में जो कठिनाई है वो मोस्ट ऑफ बहुत सारे विश्व में ऐसे देश है जहां पानी अभी साफ नहीं मिल रहा, जैसे हमारे भारत में ही है राजस्थान, वहां पीने के पानी का बहुत कमी है, हमेशा न्यूज में आता है। साउथ के कुछ राज्य हैं तमिलनाडु दिल्ली है जहां पर टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है, साफ पानी पीने के लिए नहीं है। तो विश्व में अगर देखें तो अधिकतर अफ्रीका का भाग वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए पश्चिमी यूएसए है, फिर इंटायर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पानी का बहुत ज्यादा कमी है विश्व के इन भागों में। अब है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो पानी का हम लोग संरक्षण कैसे करेंगे, तो एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टूडे। आज साफ पानी पीने के लिए पूरे विश्व में यह एक सबसे बड़ा समस्या है कि साफ पानी सबको मिल सके। तो फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेसिस द अंडरग्राउंड वाटर। तो इसका सबसे जो जरूरी है पानी का संरक्षण करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, जो जंगल है उसको हम काटेंगे नहीं क्योंकि पेड़ जो है वह मिट्टी को पकड़ के रखता है और पानी को भी कहीं जाने नहीं देता, तो इम्पोर्टेंट है जंगलों की कटाई ना करें जो अर्बेनाइजेशन के कारण हो रहा है। जो जंगल वाला भाग है उसको हमें नहीं काटना चाहिए और जो बंजर जमीन है उस पे इन सब चीजों का निर्माण करना चाहिए, फैक्ट्री हो चाहे जितना भी इंडस्ट्रियल काम हो, जो उपजाऊ मैदान है जो जंगल है उसको हमें कोई वहां पे हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। इन्हीं सब चीजों से हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। एक है ड्रिप इरिगेशन जिसमें जड़ के पास ही से पानी दिया जाता है, एक्स्ट्रा पानी इधर उसमें बर्बाद नहीं होता है, मतलब जितना जरूरी है उतना ही पानी। एक है ड्रॉप इरिगेशन जहां बूंद से पानी गिराया जाता है जितना जरूरी है। तो ये सब कुछ मेथड है जिससे हम लोग वाटर का कंजर्व कर सकते हैं। तो यही था हमारा लैंड एंड वाटर, थैंक यू।